डिग्री कॉलेज अपना हक लेकर रहेंगे। डिग्री कॉलेज डिग्री कॉलेज डिग्री कॉलेज। तो आपने देखा कि किस तरह से आज पुरमंडल के लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन करने की एक ही वजह है कि जो 5/2/2019 को जो नए डिग्री कॉलेज सैंक्शन किए गए थे, जिला सांबा के भी कई जो है वो जगहों पर ये कॉलेज जो है वो सैंक्शन किए गए थे, उसमें पुरमंडल भी एक इलाका आता है। और मैं आपको थोड़ा सा पुरमंडल का जिक्र करना चाहता हूँ। ये पुरमंडल जो है ये सांबा जिला का पहाड़ी इलाका है, दूरदराज इलाका है, और यहाँ के लिए जो कॉलेज सैंक्शन किया गया था गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वो 5/2/2019 को सैंक्शन किया गया था। लेकिन प्रदर्शन आज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो मेन पुरमंडल के लिए कॉलेज सैंक्शन किया गया था उसे अब यहां से स्थानांतरित किया जा रहा है, यानी शिफ्ट किया जा रहा है यहां से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर गांव कटवालता में। और गांव कटवालता की दूरी यहां पुरमंडल से 10 किलोमीटर की है। और मैं आपको बता दूं, जो पुरमंडल के लिए कॉलेज डिग्री कॉलेज सैंक्शन किया गया था उसका फायदा क्या होना था, यहाँ पुरमंडल के आगे जितने भी दूरदराज के गांव लगते हैं, जैसे पाडल है, दियोन है और रजूल है, ये सारे ऐसे इलाके हैं यहाँ से लोग पैदल चलकर पुरमंडल मेन पुरमंडल में पहुँचते हैं, और लगभग 2-3 घंटे की दूरी जो है वो उन्हें तय करनी पड़ती है, रोज़ पैदल चलते हैं और फिर वो पुरमंडल पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ से जो कॉलेज शिफ्ट किया जा रहा है कटवालता में, अगर इन इलाकों के इन गाँव के बच्चों को पुरमंडल पहुंचने में 2-3 घंटे लगते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि यहां से आगे 10 किलोमीटर की दूरी उन्हें और तय करनी पड़ेगी, फिर वो कॉलेज पहुंचेंगे इन दूरदराज इलाकों के बच्चे। आज उसी वजह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि जो कॉलेज पुरमंडल के लिए सैंक्शन किया गया है, फिर ऐसी क्या वजह हो गई कि इसे यहां से शिफ्ट करके गाँव कोटवालता में जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ में लिस्ट जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कॉलेजेस सैंक्शन किए थे उसमें पुरमंडल का जिक्र जो है वो साफ साफ किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पुरमंडल आप नाम भी पढ़ रहे हैं, इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो क्या वजह है, किसको इसका फायदा होगा यहाँ से शिफ्ट करने का, ये तो खैर आप नहीं बता सकते, लेकिन कितनी दिक्कत यहाँ पुरमंडल के लोगों को होने वाली है। यहाँ के लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इतना प्रदर्शन किया कि वो चाहते हैं कॉलेज यहीं रहे। जो दूरदराज इलाके हैं पुरमंडल के आसपास के ऊपर जो गाँव है, उनके जो गाँव के बच्चे हैं उन्हें यहीं तक आना पड़े, आगे ना जाना पड़े, क्योंकि अगर वो इसी तरह से चलते ही रहे तो वो अपनी पढ़ाई कब करेंगे, कब वो घर आएंगे, कब करेंगे, इस पर कहीं ना कहीं जो वो दिक्कत इन गांव के लोगों को फेस करनी पड़ रही है। मेरे साथ गांव के लोग हैं, इनसे जानते हैं कि पूरा मसला क्या है। आपसे जानूंगा, जो कॉलेज पुरमंडल के लिए मिला था, ये छोटा काशी के नाम से मशहूर पुरमंडल, यहाँ से आसपास के जो ऊपर गाँव है लगभग 25-30 गाँव जो है लगते हैं, जैसे आपने जिक्र किया रजूल है, पाडल है, दियोन है, अगर यहाँ से कॉलेज शिफ्ट किया जाता है तो कितनी दिक्कत जो है वो आपको आती है। और मेन पुरमंडल के लिए ये कॉलेज जो है वो दिया गया था, ऐसी क्या वजह निकल कर सामने आ रही कि यहाँ से मेन पुरमंडल से कॉलेज को शिफ्ट किया जा रहा है दूसरी जगह पर। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जो सुविधा जो डिग्री कॉलेज की हमारी पुरमंडल को मिली थी, ये बड़ा ही एक ऐतिहासिक हमारा देवशाली भूमि है जिसको छोटी काशी कहते हैं, लेकिन हमें कोई पता नहीं चलता कि हमारे गांव के जितने भी प्रोमिनेंट लोग थे, सरपंच थे, पंच थे, बगैर पूछे बगैर किसी सलाह लिए हुए उन्होंने इसको जहां से दूसरी कटवालता में ले गए हैं, जिससे पता लगता है कि वो हमारे जो इलाका के लोग हैं, हर फ्लंग एरिया में हैं, RBA में हैं, बैकवर्ड लोग हैं, उनकी बात को सुना नहीं जाता है। मैं समझता हूँ शायद वो ये समझते हैं कि यहाँ पर जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वो इंसान नहीं है, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। जो लोग सड़क के किनारे पर हैं, डोर स्टेप पर उन पर रोड है, और वो 15-20 मिनट में जम्मू में जा सकते हैं, सांबा में जा सकते हैं, यख में जा सकते हैं, जहाँ डिग्री कॉलेज बने हुए हैं उनको पूरी सुविधा है, लेकिन हमारे जो इलाका के लोग हैं उनको वंचित किया जा रहा है। इसलिए हमारे इलाका के लोग जो हैं वो हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं कि आप आवाज़ उठाओ, हम आपके साथ हैं। हमारा जो डिग्री कॉलेज है वो जहाँ पर होना, हमारी बेटियाँ जो हैं ऐसे ऐसे नाले हैं कि पानी के बीच में से 10-10 किलोमीटर पैदल आती हैं, तो उनका तो 2-2.5 घंटे जहाँ आने में लग जाएगा, और फिर जहाँ पर आएंगे बच्चों की अच्छी सुविधा नहीं है, जहाँ पर अभी तक नहीं मिल रही है हमें, बसें जो है 1.5 घंटे के बाद आती है, अगर एक बस मिस हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो 3 घंटे उसके वेस्ट हो जाएंगे, उसका कैरियर जो है हमारे बच्चों का, हमें जो दुख हो रहा है कि उनका कैरियर को ब्लिक किया जा रहा है। इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं और गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारा जो डिग्री कॉलेज है वो पुरमंडल में हो, ताकि जितने भी लोग हमारी 10,000 जो फैमिली ये शिवालिक पहाड़ियों में रहती है उनको ये सुविधा मिले। हम फिर एक बार गुहार लगाते हैं जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू से, उनका जहाँ पर दौरा भी था पिछले दिनों में, वो कुछ कारण जहाँ पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर हम उनके पास गए हैं,
और उन्होंने हमें दिया है कि हम आएंगे, हम उनके समक्ष भी ये बात रखेंगे। इसलिए हम मीडिया के थ्रू से ये कहना चाहते हैं कि हमारे डिग्री कॉलेज की जो डिमांड है वो जो प्रमंडल में मिला है वो प्रमंडल में बनाया जाए। एक चीज़ का जिक्र आपने थोड़ी देर पहले किया था कि कुछ सामान वगैरह जो है वो वहाँ पर जो है वो रखा जा रहा है, क्योंकि जो प्रक्रिया है कॉलेज बनाने की शुरू की जा रही है, क्या लग रहा है कि इसकी वजह से ये सामान वगैरह भी वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है? मैं समझता हूँ कि ये अभिसरण जो है वो चाहते नहीं है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक नारा दिया है कि ग्राम उदय से भारत उदय, तो ये ग्रामों का उदय नहीं होने देना चाहते हैं। कुछ अफसरों की मिली भगत से मैंने जैसे पहले भी कहा है कि नोडल अफसर जो डिग्री कॉलेज बचना की है उनको जहां पर लाया गया था, हमने अपनी अकेडमी भी दी थी, दो अकेडमी दिखाई थी उनको कि फ्री देंगे या तीन साल के लिए जहां पर रखें, लेकिन वो मिली भगत से पूरा सामान जो है वहां पर लिख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि वोट नोटिस की जा रही है कि वहां पर ही डिग्री कॉलेज प्रमंडल लिखा जा रहा है, जबकि उससे 10 किलोमीटर पंचायत हमारी प्रमंडल पड़ती है, तो हमारे कोटवालसा में ही डिग्री कॉलेज लिखा जा रहा है। ये मैं समझता हूं कि कुछ अफिसरान जो है उनकी मिली भगत से हो रहा है, ऐसा ना होना चाहिए और हमारे लोगों का जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। इसीलिए हम ये प्रदर्शन पर उतरे हैं और ये आगे भी हम सचेत करना चाहते हैं अपनी सरकार को कि यदि ऐसा नहीं होता है तो लोग जो है वो सबको। चलिए आपसे भी जानूंगा, इसलिए कहा जा रहा है कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स भी हैं इसमें, तो फिर क्या वजह है कि लगातार वो कॉलेज वहाँ पर बनना जो है वो शुरू हो रहा है और यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है? काफ़ी दिक्कत प्रमंडल के जो आसपास के गाँव उनके उन लोगों के बच्चों को आने वाली। देखिए मैं गाँव प्रमंडल का रहने वाला हूँ, मेरा नाम बोले राजा, ये एक साजिश हमारे साथ रची हुई है जो कि हमें कॉलेज से दूर रखने की, क्योंकि कुछ ऐसे शरारती लोग हैं जो जो चाहते हैं कि कॉलेज प्रमंडल में नहीं बल्कि मंडल में। जो हमारी न्यूडल अफसर है वो हमारे दौरे पर यहाँ आई थी, उन्होंने देखा, हमें जगह भी दिखाई, कम से कम जो वो बच्चों की एडमिशन है वो तो खोली जाए, लेकिन न्यूडल अफसर की वजह से हमारे बच्चों की जो जिंदगी के बारे वो पानी फेर रहे हैं, नहीं एडमिशन वगैरह कोई इधर मंडल में नहीं, प्रमंडल में नहीं। हमने तो बोला कि प्रमंडल में होना चाहिए, जगह भी दिखाई, सब दिखाया। जो मिली भक्ति है कुछ अफसरों की है, कुछ हमारे गांव के लोगों की भी, मुँह में कहते हैं उनको लेकिन वो बीचों बीच नहीं चाहते हैं, नाम लिखते हैं हमारे प्रमंडल का डिग्री कॉलेज प्रमंडल, लेकिन प्रमंडल से 10 किलोमीटर दूरी पर जो कि मंडल पड़ता है, हमारे बच्चे जो है 15-15, 10-10 किलोमीटर से दूर आते हैं। तो जब प्रमंडल में पहुँचते हैं तो बसों की सुविधा वो, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि एक तो ऑलरेडी वो इतनी दूरी तय कर आते हैं, फिर उन्हें और दूरी तय करनी पड़ेगी, फिर वो कॉलेज जाके पहुँचेंगे। जब वो जहाँ पहुँचेंगे, अगर तो बस मिल गई तो पहुँचेंगे, अगर बस नहीं मिली तो उनका जो स्कूल कॉलेज है वो मिस हो जाएगा। लेकिन इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे गांव के जितने भी लोग हैं और जो पंच सरपंच सभी हमारे साथ हैं, वो हम जो लोग जो देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट ये हल करती है, कोई मसला इसका हल होता है तो ठीक है, नहीं तो ये जितने भी गाँव हैं हम सड़क पर आ जाए। छत से जानूंगा आपके बच्चों की क्या दिक्कत होने वाली है अगर यहाँ से कॉलेज शिफ्ट किया जाता है, जिस तरह से नाम लिया जा रहा है कटवाल का गांव, कितनी दिक्कत आपके बच्चों को होने वाली है, उनकी पढ़ाई पर कितना असर पड़ने वाला है? साढ़े बच्चे सारे ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इतना अगर परमंडल हो, इतना मतलब कि परमंडल जेड़ा वो सेंटर प्लेस है, इतने सारे बच्चे पढ़ी सकते, जेडे गरीब होंगे वो भी पढ़ी सकते, जेडे नहीं भी पढ़ना चाहते वो भी पढ़ी सकते, क्योंकि अगर कटवाल का जाने पोगे जा आगे पीछे जाने पोगे तो उन्हें इनके को किराया चाहिए, सारा कुछ चाहिए। अगर इतना बंदा गरीब भी है वो अगर इतने 12th करता तो वह कॉलेज मतलब कि ज्वाइन कर सकता है। तो ये सानू इे कहते सानू इे लोगों ही चाहिए कि जोड़ा कॉलेज है वह परमंडल का होना चाहिए। चलिए साफ तौर पर यहाँ के लोगों का कहना है कि ये कॉलेज यहीं पर बनना चाहिए, क्योंकि पुरमंडल के आसपास के जितने भी गांव मैंने पहले ही जिक्र किया कि लगभग 10,000 की आबादी वाला ये गांव है, और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इतनी दूरी तय कर आते हैं, दरिया उनको पार करने पड़ते हैं उन बच्चों को, फिर वो यहाँ परमंडल तक पहुँचते हैं, लेकिन इसके बाद भी 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बच्चे पढ़ने के लिए कॉलेज पहुँचेंगे वो किस तरह से पढ़ेंगे, उनका सारा वक्त जो है वो आने जाने में लग जाएगा। तो इसीलिए ये डिमांड की जा रही है कि परमंडल के लिए जो कॉलेज सैंक्शन किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वो परमंडल में ही बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने भी आसपास के गाँव के लोग हैं उनके जो बच्चे हैं उनको यहाँ फ़ायदा होने वाला है। और ये देख रहे हैं आप जो लोग सुबह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी एक ही डिमांड है कि ये कॉलेज इसी प्रमंडल जगह पर बनना चाहिए, ये मेन सेंटर प्लेस है, तो इसलिए ये डिमांड लगातार उठाई जा रही है कि ये कॉलेज यहीं पर बनना चाहिए, ताकि बच्चों को सहूलियत मिले, उनकी पढ़ाई पर ज़्यादा असर ना पड़े, वो आराम से पढ़े और आराम से अपने कॉलेज जो है वो जाएँ,
क्योंकि जम्मू भी अगर जाना हो तो यहाँ से कितनी दूरी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए ये डिमांड जो है वो लगातार की जा रही है और इन्होंने वार्निंग दी है कि अगर ये यहाँ से शिफ्ट किया जाता है कॉलेज तो ये सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो हम भी अपील करना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर आपको लगता है कि इसमें कोई जो वो साजिश की जा रही है तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और जो इनकी डिमांड है कॉलेज प्रमंडल में बनना चाहिए तो वो प्रमंडल में ही बनना चाहिए। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया जगह मीडिया के लिए।